सो हेलो गाइस, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो जो हो रही है, आज की वीडियो थोड़ी साफ़ सफाई के ऊपर है, क्योंकि जैसे ही कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो रात को मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब शाम को ही बिल्कुल रात हो गई थी, शाम ही था वो 6 बजे करीब। कबूतर बंद करके फिर हमने छत वत की सफाई करी, काफ़ी मस्त तरीके से काफ़ी मज़े लिए। तो आप लोग जाकर वीडियो देखो। तो वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, मतलब यही है कि आप लोग थोड़ा साफ सफाई रखा करो, ठीक है? तो वीडियो बाकी एंजॉय करो, आप लोग जाकर देखो। और चैनल पर कोई भी भाई नया आया हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाल कलर का बटन होता है उसको दबाने से कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है? तो भाई, और अभी मैं बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगा कितनी क्लीन लग रही है छत। तो भाई, सबका मन करता है कि सबकी छत साफ़ हो, बिल्कुल इतनी बेकार थी और इतना मस्त लग रहा छत, बिल्कुल मेरा मज़ा आ गया देख कर, ठीक है? तो मैं आपको बैक कैमरा करके पहले दिखा देता हूँ, फिर आप देखना, ठीक है? फिर आगे कल वाली वीडियो कंटिन्यू करूँगा फास्ट फास्ट, तो आप लोग पूरा एंजॉय करें। जैसे कि देख सकते हैं, ये कचरा बहुत ज़्यादा निकला यहाँ पे। भाई मेरा भी चैनल है, मेरे चैनल पे भी सपोर्ट करो। ये देखो, और बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आई थोड़ी थोड़ी तो छत गीली हो गई थी। मेरा पानी को प्रमोट कर दे चैनल पे अपने। हाँ भाई, चलना है चैनल प्रमोट करवा दूंगा तेरा, मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंजॉय करो, क्योंकि ये भाई वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई का निकलना है। ऑल अबाउट प्रेजेंट टिप्स। हाँ सही बता, कब खोले तूने चैनल? आज ही तो बनाया वाला है। चल भाई, वीडियो डलेगी। अच्छा, तो भाई मैंने काफ़ी भाइयों की छत पर देखा है, और मैं वीडियो में भी देखता हूँ भाई, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी कबूतरबाज की वीडियो ना देखूँ, तो मैं वीडियोस बतेरी देखता हूँ। तो भाई उनके छत पर ना भाई बीट के मारे ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, निशान निशान, ऐसे ऐसे निशान, ऐसे ऐसे निशान बतेरे रहते हैं, मतलब बुरी हालत हो जाती है। और कभी बारिश आए ना तो भाई फिसल भी जाते हैं उस पर बंदे, मुझे पता है, क्योंकि मैं एक दो बार खुद फिसला हूँ, क्योंकि बीट कभी गीली हो जाती है ना बीट के ऊपर, फिर पैर बहुत जल्दी फिसलता है। तो भाई सब अपनी मदद कर रहे हैं, अंदर जाल में कबूतर बंद है, और भैया ये रहा, मैं वीडियो बनाने में लग रहा हूँ भाई। तो इस वीडियो बनाने का मतलब यही था, ज़्यादा कोई इतना बड़ा वो टॉपिक नहीं है, बट मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि भाई कबूतरों की जो ख्याल रखा जाता है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से रखा जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना पड़ता है कि कबूतर किस चीज़ से बीमार ना हो, ठीक है? तो आप जो बीट खिला रहे हो भाई, मतलब कबूतर को जो छत पर दाना वो रहता है, बीट ही बीट रहती है, आप लोग भर भर के दाना मारते हो ऐसे भर भर के, तो भाई उनके साथ थोड़ा बहुत जो कचरा होता है, जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी कबूतर के साथ मुँह में जाते ही होंगे, ऐसे ऐसे है नहीं कि नहीं जाते होंगे, ठीक है? तो छत साफ़ करने का एक मोटिवेट यही था कि हमारा किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, काफ़ी दिन से सोच रहा था। तो आज बारिश आई, काफ़ी झमझमाते हुए अचानक बारिश आई, और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पड़ी है, ज़्यादा नहीं पड़ी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा गली में पानी वानी भर के चली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बढ़ा इनने, तो यही छोटा सा एक मोटिवेट था, जैसे कि आप लोग छत वत की सफाई करो भाई। मेरे दोनों भाई लगे पड़े हैं, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी, और एक मेरा नीचे जो मोटा वाला भाई, वो पानी भर भर के दे रहा है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो छत देख सकते हो भाई कितनी चमक गई है, बिल्कुल ये देख सकते हो भाई, कोने कोने में बस हल्की बहुत ये बाउंड्री पर रह गई है, अब इन बाउंड्रियों का तो कुछ कर नहीं सकते भाई, ठीक है? और अपने कबूतर सारे अंदर हैं, बंद कर दिया जल्दी, क्योंकि बारिश आ गई थी। तो और पंजाबन क्या हाल है तेरे? ये पंजाबन कबूतरी है अपनी। हेलो, पानी डाल, ये देख सकते हैं भाई पानी डाला जा रहा है पूरी कुर्ती में, और अपनी फड़की ये रही, झाड़ू लग रही है फुल टू, बिना काम के तो तू फोन ही ना करता है, ये देख सकते हैं। तो भाई वीडियो अपनी ऐसी चलती रहेगी, जारी रहेगी, और छत पे भी बधेरा कचरा भरी है, ये देख सकते हो, जीना ये रहा मोटा वाला भाई मेरा, ये तो गाइस अब वीडियो जाएगी तेज, तो देखते रहो।
भाई यार मुंह में मच्छर चला गया था अभी। सो गाइस छत की पूरी सफाई हो चुकी है, मैं वीडियो कल सुबह भी कंटिन्यू करूंगा, तो मैं जरा अंदर दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं अपने कबूतर अंदर है और भाई बीट जमी पड़ी है नीचे भी, जैसे कि देख सकते हैं जिस टाइम अंदर की हालत है ना ऐसी, अभी छत की हालत थी थोड़ी देर पहले, थोड़ी थी इससे ज़्यादा नहीं थी, मतलब इससे कमी थी, तो काफ़ी भाइयों की होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भाई थोड़ा सफाई वफाई रखा करें, ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि हाँ भाई जिसको करना वो करो वरना मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। जैसे छत भी पूरी बिल्कुल क्लीन रहती है और ये जो बीट वीट दिख रही है कल सुबह साफ होगी, तो मैं सुबह ही कंटिन्यू करूँगा वीडियो अगली ठीक है, तो सुबह आपको मैं दिखाऊँगा कि छत कितनी क्लीन लग रही है ठीक है, आपको मैं कल दिखाऊंगा, फिर आप लोग बताना ठीक है। तो भाई जब तक के लिए कल so गाइस अपनी छत ये रही, और जैसा कि देख सकते हैं पूरी छत आपको मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल क्लीन है, एक दाग नहीं होगा छत पर, एक दो दिख भी जाए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल छत जो है ना बिल्कुल क्लीन है। अब रह गया है दरबा, तो उसको भी अभी हम क्लीन कर देंगे, ये बाला करेगा, बाला सब कहे मेरे चैनल पे सपोर्ट करना भाई। हां आ जा चैनल बनाने नहीं दे रहा। हां आ जा बीडी सी शक्ल के। तो गाइस ये देखो छतवत, बाकी जोड़े खोल दी विक्की, आयो खोलूं अबे खोल। अपने व्यूअर्स को खुद दिखलाऊंगा अपनी वीडियो में, अबे खोलना उनको, ये देख कितना पॉटी करेंगे अभी, देखो ये तेरा चैनल है तू खोल, खोलना जल्दी। ये जोड़े वाले भाई बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, मतलब जो ये बीट होती है ना इनकी बहुत ज़्यादा करते हैं, देखना निकल के कैसे करेंगे ढेर। ये देख सकते हैं उस मादिन ने तो कर दिया ईंट पे इतना सारा, अभी नर बाकी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो गंद है ना छत पर वो यही जोड़े फैलाते हैं, वो देख सकते हैं उस कल्चर ने भी कर दिया इतना सारा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा ये मोटिव यही था वीडियो बनाने का, अभी देख सकते हैं ये सब भतर भतर करते चले जा रहे हैं, अभी देख सकते हैं अभी ये रह गई है पीली, चलो पीली ने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज ये सीन देख सकते हैं कितना खतरनाक वाला है, ये इतना सारा इधर कर दिया, इतना सारा इधर कर दिया ठीक है, और ये इधर कर दिया, तो गाइज ये खतरनाक सीन है बहुत ज़्यादा, ये जैसे कि देख सकते हैं। तो इसी वजह से अब ये छत पे ऐसे रहेगा, ये सूख जाएगा पूरा, तो ये छत इतनी गंदी लगेगी, तो मेरा भाई ऐसे उठाता है इसको करनी से, जैसा कि देख सकते हैं ये उठाया करनी से और ये बगल वाले प्लॉट में ट्रांसफ़र कर दिया उसका। तो गाइज इसकी वजह से ही छतवत साफ रखा करो, बाकी देख सकते हो पूरी छत कितनी क्लीन है, एक दाग नहीं है। अब ये महारानी निकली है और ये महाराजा जी निकले हैं, ये भी करेंगे, और ये देख सकते हैं भाई उन्होंने भी भर के कर चुके हैं, ये देखो इन्होंने भी कर दिया है। तो गाइज इनका हम कुछ कर नहीं सकते, और एक जगह कर दिया है, तो सबसे ज़्यादा तो इन जोड़े वाले कबूतर की वजह से मेरी ये छत गंदी होती है, क्योंकि ये पूरे दिन अंदर रहते हैं पेटी में और फिर बाहर आकर ये पॉटी करते हैं, बीट करते हैं। तो भाई इस सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करो, इससे छत भी पूरी अब साफ लग रही है, अभी मैं दोबारा करने से फेंक दूंगा ठीक है, और बाकी जो मेरे उड़ने वाले कबूतर हैं वो करते हैं। तो गाइज यही सब है, तो भाई आप इन सब चीज़ों को नोटिस करें, अपनी छतवत की सफाई रखें, लॉफ्ट की सफाई रखें, इस टाइम ऐसी बारिश का मौसम आ गया तो इस टाइम थोड़ा रिक्स वाला काम हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन मौसमों में कबूतर बीमार पड़ जाते हैं, हल्का सा भी सुस्त हुआ बस भाई टपक लेता बेचारा, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, तो आप लोग जाकर देखो और मौज लो और बताना कि वीडियो कैसी लगी, बस ये वीडियो कुछ इसके ऊपर नहीं है, बस भाई बताने का मतलब यही था कि आप लोग थोड़ी साफ़ सफाई रखा करो बस, जिनको रखना है सही रखना भाई, जिनको नहीं रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हमारे बड़े बड़े उस्ताद भाई है वो ये उनके लिए वीडियो नहीं है, हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए है। मैं जितनी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं सारे अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई बड़े बड़े जो खलीफा हैं जो बाजिया जीतते हैं जो उड़ान उड़ाते हैं बड़े बड़े उनके लिए नहीं है भाई, अगर वो भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप भी करो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की छत पर भाई हम भी जाते हैं, काफ़ी भाइयों की छत पर मैंने भी देखा है, तो भाई नाम तो नहीं ले रहा बट भाई बहुत ज़्यादा बीट रहती है उनकी छत पर, तो भाई साफ़ सफाई रखा करो थोड़ा ठीक है, बाकी कोई नहीं।